आइए जातिन जी, बैठिए, तालियां बजते रहें। जो समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं जैतून, ये चंबा हिमाचल प्रदेश से हैं और साथ में आप अपने कंपेनियन के रूप में अपनी बड़ी बहन को लाए हैं। जी सर। जो अभी भी हमको बहुत ही सैड लग रही है। हाँ, डांट कर देख रही हैं। और कितने दिनों से हम जा रहे हैं, घूमते हैं जब तस्वीर वस्वीर लेने, मैं इनसे कहता हूँ कि आप ऐसा लंबा चेहरा हंसी हंसी तो बहुत मुश्किल से इनके, इनका नाम रानो है। रानो जी, आपको हम नमस्कार करते हैं और स्वागत करते हैं आपका हमारे साथ। सर मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा गांव कमोथा में। जी जी। तो मुझे काम करते हुए 16 साल हो गए हैं। तो छोटे बच्चों को पढ़ाते हम, मतलब 3 से लेके 6 साल के बच्चों को स्कूल में आते हैं, और जो मतलब लैक्टेटिंग मदर है, प्रेग्नेंट वुमेन है, फिर एडोलेसेंट गर्ल है, वो भी हमारी बेनिफिशियरी आती है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो उनको भी हम सेवाएं देते हैं, जो राशन गवर्नमेंट की तरफ से पूरक पोषाहार आता है वो उनको सप्लाई देते हैं। हम एनजीओ से जुड़े हैं, डॉक्टर से जुड़े हैं। लेकिन हम बहुत से ऐसे जगहों पर काम करते हैं एक समाज कल्याण के लिए। जी सर। सोशल वर्कर जो बहुत से कैंपेन्स चलते हैं। जी सर। उसमें कई बार वर्णन आता है आंगनवाड़ी का, आंगनवाड़ी वर्कर, और आप लोगों का जो योगदान है ना समाज के प्रति, देश के प्रति, खास तौर से अभी आपने कहा छोटे बच्चों के प्रति, वो बहुत ही उम्दा है। ये बहुत ही सराहनीय काम किया है आंगनवाड़ी। अब आपके ऊपर हमारी जो टीम गई थी चंबा, उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया था। जी सर। हम चाहते हैं हमारी जनता और यहाँ की जो जनता बैठी है वो इस वीडियो को देखें, आपके बारे में हमें थोड़ी सी और जानकारी मिलेगी। जी सर। कैन वी सी द वीडियो प्लीज। मेरा नाम जैतून है और मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से हूँ, और मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ और 16 साल से मैं काम कर रही हूँ इस फील्ड में। खेल खेल के माध्यम से हम बच्चों को मतलब उनका मतलब मानसिक और शारीरिक विकास करते हैं। अच्छा लगता है सोशल वर्क जो स्पेशली हमारा मतलब लेडीज से जुड़ा हुआ है ना। मेरे घर में मेरी मदर है, मेरी नानी है, मेरी सिस्टर है, मैं हूँ और मेरा भतीजा है जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है। मेरे फादर साहब के हमसे बने ही नहीं बचपन से ही ना, सिंगल ही मतलब हमारी मदर ने हमारी परवरिश की। मेरी मदर है मतलब किसान है, मेरी सिस्टर वो भी घर का काम करती हैं, तो मिलजुल के हो जाता था, लेकिन अब वक्त के हिसाब से मुश्किल है। हाँ, गुजर बसर तो चल रहा है, तो हमने जो भी करना है, अच्छा सोचे बुरा सोचे, हम माँ बेटियाँ खुद ही करती हैं। हाउस ऑफ लेडीज मतलब मेरी नानी स्ट्रॉन्ग वुमेन है, मेरी मदर है, मेरी सिस्टर है और मैं, हम ही अपने आप को खुद ही चला रहे हैं, खुद ही कमा रहे हैं, खुद ही सरवाइव कर रहे हैं। पूरे घर नु संभाल लेंदी, दुनिया नु भी संभाल लेंदी। आ जाओ दीदी बाहर। जी मेरी यहाँ बेटियां ही सब कुछ है, किसी बंदे दी हॉन लोड कोई नहीं है। 10 मर्दों के बराबर हम एक अकेली औरत डिसीजन ले सकती हैं अपने लिए। जब से जैतून कर रही है ना काम तो हम खुश ही है बस। पैसा दे कमी से लग गई कमान और असी खुश है। लियांदे पैसे लियांदी है, घर में देन दी है, रोटियां रज के खांदे, जो मर्जी सो कमांदे, दुकाना से जांदे, सारा देख के सानू ठंड पे जांदी। कौन बनेगा करोड़पति के मन से जो भी मेरे को अगर अमाउंट मिलता है तो मैं हज पे लेके जाना चाहती हूँ अपनी नानी को, अपनी मम्मी को, अपनी मदर को, वो बहुत बड़ी तमन्ना है मेरी, क्योंकि लोगों के तो बेटे लेके जाते हैं ना, तो मैं चाहती हूँ मैं इनको लेके जाऊँ। कितनी अच्छी बात कही आपने जातिन जी, बेटे जो हैं वो हज पर लेके जाते हैं। जी सर। मैं एक बेटी होकर के अपनी माँ को, नानी को लेके जाना चाहती हूँ, बहुत बहुत बधाई आपको। और क्या तमन्नाएं हैं आपके मन में? सर घर हमारा कच्चा है, मिट्टी वाला है, तो हमें बहुत ताने सुनने को मिलते हैं, लेकिन वो है हमारे बुजुर्ग का घर है, हमें तो सुकून है उस घर में, लेकिन दुनिया को देख के बदलना तो पड़ता ही है, तो हम घर बनाना चाहते हैं। क्या ताने किस तरह के मिलते हैं? मतलब हमारे मैक्सिमम लोगों के उधर घर नए बन गए हैं, मतलब जो भी मेल मेंबर है मतलब घरों में वो बना चुके हैं, मतलब हमारा ये गाँव में एक घर है जो कच्चा है,
तो उसके लिए फिर हमें भी फोर्स करते कि आप भी बना लो, कहीं दब के मर जाएगी जैसे हालात है मौसम के। तो जब भी बारिश आती है तो हम दुआएं करने बैठ जाते कि हमारा घर ना कहीं गिर जाए। तो मैं चाहती हूँ अपनी सिस्टर के लिए एक अच्छा सा घर, कहीं जमीन का टुकड़ा मिल जाए, ये भी सुख से जिंदगी जिए, मेरी मदर को भी सुकून मिले। तो ये सारी ख्वाहिश। और बाकी मैं एनिमल लवर हूँ सर, मेरे पास बहुत ज्यादा बिल्लियां हैं। हाँ जी, और डॉग्स की देख रेख करना, फिर जो गाय सर आवारा छोड़ देते हैं लोग, तो बहुत मन दुखी होता है। हम घर में ले आते हैं उनको, उनकी देख रेख करते हैं। तो उन गाय को भी हमने 10-12 गाय एक बार हमारे घर में हो गई थी इकट्ठी, तो उनका सारा हमने किया था और उनको सही ठिकाने पे अपना किराया दे दे के उनको पहुंचाया था। इतना कुछ काम करती हैं आप जैतून जी। जी सर, जानवरों की देख रेख, बच्चों की देख रेख, घर की देख रेख। जी सर। और आज आप यहाँ से इतना कमाना चाहती हैं कि आप अपनी बहन, माँ और नानी को हज पे ले जाए। जी सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। पहला प्रश्न, 1,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर गिर रहा। किस हिस्से का उपयोग करके साइकिल आगे बढ़ाई जाती है? Which part of a bicycle is used to propel it forward? ऑप्शन सुनिए। ए ब्रेक, बी पेडल, सी लाइट या डी कैरियर। ब्रेक, पेडल, लाइट या कैरियर। सर बी पेडल। बी पेडल पे ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया, 1,000 जीत गए यहाँ। और इस खेल के पेडल पर आपने भी पांव रख दिया अपना, बस इसको घुमाना है और घुमाते रहने जाना है जब तक आप 1,07,00,000 न जीत जाएं। ओके, आते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2,000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में खिलाड़ी अक्सर अपनी आंखें बंद करता है और 100 तक गिनता है? In which of these games does a player close their eyes and often count to 100? आंख बंद करके वो 100 को गिनते हैं और ये खेल उसी में खेला जाता है। ऑप्शन सुनिए। ए हॉपस्कॉच, बी लंगड़ी, सी लगोरी या डी हाइड एंड सीक। स्टापू, लंगड़ी, लगोरी या लुका छिपी। सर मैं ऑडियंस बोल लूंगी। ऑडियंस बोलिए, शांत हो जाइए बाधुमती जी। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। नब्बे 90% दिया है लुका छिप्पी को सर। डी है लगाएंगे। डी पे ताल लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। सातवां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कुतुब मीनार प्रांगण में किस शासक का मकबरा है? विच किंग्स टूम्ब इज इन द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन सुनिए। ए जहांगीर, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या डी हुमायूं। सर मुझे बी और सी में लग रहा है। लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए बाधुमती जी। आपके पास वीडियो कॉल है और डबल डिप है। सर डबल डिप। डबल डिप लेंगे आप? जी जी। सोच लीजिए, एक बार इसको आप ले लिया फिर क्विट नहीं कर सकते। जी सर। ओके, डबल डिप को अंकित कर दिया जाए। जैतून जी कह रहे हैं इस लाइफलाइन को लेंगे। ये लाइफलाइन अंकित हो गई है जैतून जी। अब आपके पास दो अवसर हैं उत्तर देने के लिए। जी सर। अपना पहला उत्तर बताइए। सर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। सी कुतुबुद्दीन ऐबक। जी सर। सी पे ताल लगाया जाए। नहीं जैतून जी, ये गलत है। अब आपके पास एक अवसर और है उत्तर देने के लिए। सर बी इल्तुतमिश। बी इल्तुतमिश। जी सर। बी इल्तुतमिश पे ताल लगाया जाए। ये सही जवाब निकला आपका, बधाई। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा खेल सहजता से खेलने के लिए बचपन में किरण बेदी ने अपने बाल छोटे कर लिए थे?
To make it easier to play which sport, did Kiran Bedi cut her hair short as a child? Kiran Bedi ka naam to aapne suna hoga. Option rakhta hu aapke samne. A. Tennis. B. Tairaki. Swimming. C. Cricket. Ya D. Hockey. एक लाइफलाइन बची है, सही उत्तर देंगे 12.50, गलत हो गए तो नीचे अब आप गिर जाएंगे 3.20 पे। जी सर। और एक लाइफलाइन वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर मैं लाइफलाइन लेंगी। ओके। तीसरी और आखिरी लाइफलाइन है आपकी वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर में। आशा जैतून जी, आपने तीन नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी, ये है वो तीन नाम। नवीन भरद्वाज जी है, सुमित्रा देवी है और पंकज कुमार। जी सर। नवीन सर, नवीन भारद्वाज। जी। ऑलराइट, नवीन भरद्वाज जी को फोन लगाया जाए। नवीन भरद्वाज जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। नवीन जी, हमारे सामने जैतून जी पधारी हुई है हॉट सीट पर और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी सर। जी सर। तो अपनी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके चार ऑप्शन है ए बी सी। कोशिश करूंगा जी, और 45 सेकंड के अंदर उसका उत्तर देना होगा आपको, ठीक है? जी सर। जी, तो अगली आवाज आपको जी सर जैतून जी की है, वो पढ़ के आपको प्रश्न सुनाएंगी और ऑप्शन भी देंगी और आपको उत्तर देना होगा। ओके, रेडी नवीन जी? जैतून जी, आपका समय शुरू होता है अब। सर, कौन सा खेल सहजता से खेलने के लिए बचपन में किरण बेदी ने अपने बाल छोटे कर लिए थे? ए टेनिस, बी तैराकी, सी क्रिकेट, डी हॉकी। मैम एक बार फिर से पढ़ना। सर, कौन सा खेल सहजता से खेलने के लिए बचपन में किरण बेदी ने अपने बाल छोटे कर लिए थे? टेनिस, बी तैराकी, सी क्रिकेट, डी हॉकी। मेरे को डी लग रहा है, पर पूरा श्योर नहीं हूँ। क्या कह रहे थे वो? सर डी के लिए बोल रहे थे। क्या करना चाहेगी? सही उत्तर हो गया तो 12.50 जीत जाएंगे आप, और गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे 3.20 पे। क्विट भी कर सकती हैं अगर आप चाहें। सर क्विट करना चाहूंगी, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम इसका उत्तर? नहीं मालूम। और नवीन जी की बात पे भी आप नहीं जाना चाह रही? ऑलराइट, ये आपका अंतिम निर्णय है? जी सर। ऑलराइट जैतून जी, आपको अनुमति हम देते हैं कि आप गेम को क्विट कर सके। कंप्यूटर महाशय, जैतून जी आगे नहीं खेलेंगी। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए, तालियां बज जाएं। और ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। ये हमारे पास एक ऐप है, यहाँ आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर ना दबाया। 6,40,000, 6,40,000 आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त पहुंच गए, बहुत जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। जैतून जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर।